नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। मधुबनी लोकसभा सीट से भाजपा के अशोक कुमार यादव ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं राजद के अली अशरफ फातमी को हार का सामना करना पड़ा है। मधुबनी सीट के लिए पांचवें चरण में 20 मई को मतदान हुआ था। यहां एनडीए और इंडिया के उम्मीदवार पहली बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अशोक कुमार यादव बीजेपी निवर्तमान सांसद थे और उनका मुकाबला राजद के अली अशरफ फातमी से हुआ था। 1952 में ये सीट दरभंगा पूर्व के नाम से जाना जाता था। पहले चुनाव में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध सिन्हा चुनाव जीते थे। 1971 में कांग्रेस ने इस सीट से जगन्नाथ मिश्रा को उतारा और वे जीतकर सांसद पहुंचे। बाद में जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। 1976 में संसदीय सीटों का परिसीमन हुआ और मधुबनी सीट बनी, जिसमें मधुबनी जिले के पश्चिमी इलाकों को शामिल किया गया। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट से बीजेपी के अशोक कुमार यादव ने जीत हासिल की। उन्हें 5,95,843 वोट मिले थे, जबकि वीआईपी के बद्री कुमार पूर्वे को 1,40,903 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था और आईएनडी के डॉक्टर शकील अहमद को 1,31,530 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।